मुमरा के सड़कों का बारिश में क्या हुआ है हाल, मैं दिखाता हूँ इस खबर में आप। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों जैसे कि जानते हो कि हर साल बारिश होती है और टीएमसी के जो पोल है वो कहीं ना कहीं खुलते रहती है, चाहे वो पानी भरने का हो लेके हो, चाहे नालों का हो, चाहे गटर का हो, टीएमसी का जो पोल होती है वो बारिश में ही खुलती है। इसी तरीके से हमारी आज पूरी टीम जो है निकल पड़ी मुमरा की जो सड़क है, मुमरा की जो सड़क के गड्ढे हैं उनका खोज करने के लिए। और जब हमने देखा तो चाहे मुमरा स्टेशन हो, चाहे रेती बंदर के पास हो, चाहे अमृत नगर हो, चाहे कौसा हो, हर जगह पे, चाहे किस्मत कॉलोनी हो, हर जगह पे जो है खड्डा इस तरीके से हो गया है मुमरा में कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये मुमरा शहर का जो एक दावा किया जाता है विकास का, जो है कि मुमरा जो है बहुत मॉडर्न टाइप का मुमरा बन गया है, उसी मुमरा का जो है ये हाल मैं आपको दिखाता हूँ उन सड़कों का कि किस तरीके से एक बड़े बड़े खड्डे पड़ गए हैं। लेकिन कोई भी इसमें जो है प्रशासन की कोई भी जो है इसके अंदर जो है कोई अधिकारी का नज़र नहीं जाती है। हमारे चाहे नगर सेवक हो, चाहे विधायक हो, चाहे एक आम आदमी हो, हर आदमी को गुजरना आखिर इसी सड़क पे रहता है, तो आखिर हमें नज़र आता है, उनको क्यों नहीं नज़र आता ये खड्डे। आए दिन जो है इन खड्डों के वजह से जो है जो बाइक वाले होते हैं, टू व्हीलर वाले, उनके साथ हादसे होते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये प्रशासन जो है कहीं इनको खबर, इनको जूही तक नहीं रेंगती है कि इन खड्डों का कुछ इलाज करें। मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से पूरे शहर के अंदर खड्डे पड़ गए हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है कि सड़क खड्डे में है या खड्डा सड़क में है, ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।